सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी पड़ोसी ने बड़ा खुलासा किया है। सुशांत की पड़ोसी एक महिला ने कहा कि 13 जून की रात सुशांत के घर की लाइट बंद थी, सिर्फ किचन की लाइट चल रही थी। पड़ोसी ने कहा कि सुशांत के घर की लाइट बंद नहीं रहती थी। महिला ने कहा इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। महिला ने दावा किया कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पार्टी नहीं हुई थी, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई महिला से पूछताछ कर सकती है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि सीबीआई महिला से आज ही पूछताछ करेगी या आगे पूछताछ होगी। इस महिला का बयान इतना अहम क्यों? माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, इसे एक नई दिशा दे दी है। अमूमन किसी भी पड़ोसी की नज़र हर दिन की गतिविधि पर रहती है। खास बात यह कि महिला ने खुद मीडिया के कैमरे पर आकर ये बयान दिया। बता दें कि शनिवार को सीबीआई की टीम दोपहर 2:25 पर अभिनेता के घर पहुंची। उनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और मुंबई पुलिस की भी टीम थी। इसके अलावा सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश और नीरज को भी सीबीआई की टीम साथ लेकर गई। ये तीनों मौके पर मौजूद थे। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के घर मुआयना किया। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाएगा। मुंबई पहुंचने के बाद सुशांत सिंह मामले में सीबीआई टीम की जांच का आज दूसरा दिन है।